हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल. आई एम रश्मि योर मैथ्स टीचर. गाइस अब प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें. तो इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 14 से एग्जांपल नंबर 4. क्वेश्चन इज द विकेट टेकन बाय एंड बॉलर इन 10 क्रिकेट मैच आर एज फॉलोज. तो 10 क्रिकेट मैच हुए जिसमें से एक बॉलर ने इतने विकेट्स लिए. तो पहले मैच में 2 विकेट लिए, दूसरे मैच में 6 विकेट लिए, थर्ड मैच में 4 लिए, नेक्स्ट फोर्थ मैच में 5 विकेट लिए. तो इस तरह से हमें ये डेटा गिवन है. फाइंड द मोड ऑफ द डेटा. तो आप यहाँ पे देखो, ये जो इस तरह का हमारा डेटा होता है वो हमारा अनग्रुप्ड डेटा कहलाता है. लेकिन अभी ये जो हमारा सिलेबस है उसमें ग्रुप्ड डेटा है. बट इस तरह के क्वेश्चन हमारे 1 मार्क के क्वेश्चन में, सेक्शन ए में जो 1 मार्क के क्वेश्चन आएंगे वहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं. तो इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इस अनग्रुप्ड डेटा के लिए मोड फाइंड करने का सबसे ईजी मैथड ये कि जो नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, यानी कि जो जितने विकेट सबसे ज़्यादा बार लिए हैं वो हमारा यहाँ पे मोड हो जाएगा. तो आप यहाँ पे देखो, हम 0 से स्टार्ट करते हैं. 0 यहाँ पे एक ही बार है. फिर नेक्स्ट नंबर है 1, 1 भी यहाँ पे एक ही बार है. फिर 2, तो 2 यहाँ पे 1 टाइम है, 2 टाइम है और 3 टाइम है. फिर नेक्स्ट 3, 3 यहाँ पे सिर्फ 2 टाइम है. 4 1 टाइम है, ये 4 1 टाइम है. 5 भी 1 टाइम है, 6 भी 1 टाइम है. तो आप यहाँ पे देखो, ये 2 हमारा सबसे ज़्यादा बार आ रहा है. तो जो नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट होगा, जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा बार होगी, वही हमारा मोड होता है. तो 2 यहाँ सबसे ज़्यादा बार आ रहा है. तो जब अनग्रुप्ड डेटा होगा उसमें आपको देखना है कि जो नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है वही हमारा क्या होता है, मोड होता है. तो बस यही इसका आंसर है. सॉल्यूशन, मोड इज़ द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन. मोड इज़ द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन हैविंग द मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी. तो हियर टू अकर्स, टू हमारा, टू यहाँ पे कितनी बार आया, 3 टाइम्स. टू अकर्स 3 टाइम्स. टू यहाँ पे हमारा 3 बार आया, तो मोड हमारा कितना हो जाएगा, 2. सो मोड इक्वल टू 2. तो इस तरह से आपको आंसर राइट करना है. पूरा सिर्फ इतना सा आंसर यहाँ पे नहीं लिखना, आप इसको पूरा आंसर एक्सप्लेन करो, इस तरह से लिखो, तो आपको यहाँ पे फुल मार्क्स मिलेंगे. तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, अनग्रुप्ड डेटा से कैसे मोड फाइंड करते हैं. तो प्लीज़ अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें. थैंक यू.